अरे कद्दू को होता है ना दिल से, क्या बताऊं तुम्हें। ये बीच भी काफी बड़ा है, बहुत ज्यादा बड़ा है। तो साइकिल रख दिया हमने इस... बहकी सभी जुबां हैं हम हैं हजारों में, अभी कमी जरा है क्या हर चीज खास है। दादी की दिखा दी, तुम तो बता दो इसमें। ये करेला गाठिया, ये ब्रेड पकौड़ा है, पकौड़ा ये ढोकला है, ठीक है। ये इनके साथ सम्बारा होता है जो कि, ये क्या, ये कड़ी वही वाली मीठी वाली नहीं, ये सांबर है, सांबर कड़ी कड़ी है शायद, कड़ी है, कड़ी मीठी वाली ना। हाँ, ये वैसे वैसे यहाँ पर ये लोग राजस्थान से है ना। हाँ। मुझे गुजरात में राजस्थान से बहुत लोग मिले। हाँ, नाश्ता गुजराती है। इनको भी इतना डिटेल में नहीं पता। अरे जलेबी रहेगी, जलेबी फाफड़ा गाठिया। अरे तो सभी बहुत ही ज्यादा प्यारे और बहुत ही ज्यादा वेलकमिंग थे, और बहुत अच्छा लगा मुझे, घर जैसा प्यार मिला यहाँ पे। भाभी और माताजी, भाई दोनों सारे, सभी लोग बहुत अच्छे थे। बिल्कुल मुझे फील नहीं हुआ कि मैं कहीं किसी ऐसी जगह हूँ जहाँ पर कि मुझे अनकंफर्टेबल होना चाहिए। मुझे कंफर्टेबल करने के लिए बहुत कोशिशें करी भैया ने भी, और क्योंकि मैं जैसे किसी फैमिली में जाता हूँ तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो गया, वीडियो नहीं शूट कर पाता, तो भैया ने काफ़ी समझाया मुझे। और भाभी ने मेरे सारे कपड़े धो दिए, जो भी मेरे गंदे थे जो मैंने दिए, वो तो पूरा बैग धोने के लिए, मतलब पूरे जितने भी कपड़े सारे धोने के लिए कह रहे थे, लेकिन मैंने थोड़े बहुत ही कपड़े, और उन्होंने आप देखो मेरे जूते चमका दिए ना, जैसे जूते हो गए। ये जूते मैंने करीब एक महीने बाद धोए हैं। तो कुल मिला के मुझे बहुत प्यार मिला संदीप भाई के घर पे, और बहुत ही संदीप भाई, हरिओम भाई, सभी लोग बहुत ही प्यारे थे। तो अब मैं जा रहा हूँ, पोरबंदर से निकल रहा हूँ आगे सोमनाथ के लिए। रास्ते में मुझे किसी ने और ने इन्वाइट किया है, वो बाहर थे, वो अभी घर पे आए हैं, तो अब मैं उनसे जा रहा हूँ मिलने, और उनसे मिल के फिर आगे जाऊँगा। तो व्लॉग में जुड़े रहना, व्लॉग को पूरा देखना, मज़ा आएगा। तो ये है नारंग जी, ये इनसे मेरी कंटिन्यूसली बात हो रही थी, इन्होंने मुझे यहाँ पर रुकने के लिए इन्वाइट किया था, लेकिन एट अ टाइम ये कहीं बाहर गए हुए थे उसकी वजह से, और बाकी मेरा पहले से जो है संदीप भाई के पास अरेंजमेंट हो गया था, तो मैंने इन्हें परेशान नहीं किया। बाकी मैं इस रूट से जा रहा था तो ये मुझे मिल गए, और पीछे मैं एक मैम से मिला था, वहाँ पर वीडियो उनको सही नहीं लगा तो वीडियो मैं बना नहीं पाया, और बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, मुझे मिलने आया। ये मेरा लोकेशन ट्रैक करते हुए थोड़ा भटकते भटकते आ गए। तो चलते हैं हम भी अपने आगे रास्ते, आज हमें सोमनाथ जी के दर्शन करने, या फिर आज या फिर कल, देखते हैं, बाकी वीडियो पता लगेगा। तो आज का रास्ता जो है काफ़ी खूबसूरत होने वाला है, क्योंकि आपको गूगल मैप पर दिख रहा होगा कि मैं बिल्कुल समुद्र के किनारे होते हुए जाऊँगा, जो कि आगे से पड़ेगा। अभी भी समुद्र का किनारा ये उस तरफ, लेकिन ये थोड़ा मैन मेड बीच या मैन मेड उसके साइड में बाउंड्री बना रखी है, आगे आगे बाउंड्रीज खत्म हो जाएंगी और सुंदर प्यारे बीच का नज़ारा आएगा। भाई साहब क्या बोला था तुम्हारे भाई ने, समुद्र के किनारे किनारे जाऊंगा, आपके पीछे समुद्र दिख रहा है पूरा, ऐसा मतलब खलबली सी उठती है ना ये सब देख के नज़ारे, क्योंकि मैं पहली बार ऐसा कुछ देखता हूँ, पहली बार ऐसा कुछ एक्सपीरियंस करता हूँ ना, मन करता खड़े होकर नाच लो। एक दोस्त होना था, कसम से बता रहा हूँ, नाच रहा होता मैं यहाँ पे। सजा है हम हैं बाजारों के, सबकी नजर यहाँ है, हर चीज राज है, अब है जो है वो समा है। तो देख रहे हो यार क्या खूबसूरत नजारा है भाई साहब, मैंने ऐसी सड़कें पहली बार देखी हैं जिसमें ऐसे मतलब पूरा घर बना रखा है,
सुरंग बना रखी है यार पेड़ों ने, क्या मस्त नजारा है यार। कोई फोटो खींचने वाला नहीं है, कोई वीडियो बनाने वाला नहीं है, कद्दू कोता है ना दिल से, क्या बताऊं तुम्हें, मैनेज करना पड़ता है, बस चल जाता है, कोई बात नहीं यार। सोलो में कुछ मजे हैं, कुछ नुकसान है, लेकिन मजा पूरा आ रहा है। तो ये वाइल्ड लाइफ क्रॉसिंग एरिया, जैसे कि वहां पर आपको शेर और चीते की फोटो दिख रही है, यह है पोरबंदर का फॉरेस्ट डिवीजन। इधर की तरफ जानवर, जंगली जानवर, शेर वेर भी आ सकते हैं। तो अगर आप एक जंगली या शमशान एरिया से जा रहे हो, तो आपके पास एक मजबूत खंजर होना बहुत जरूरी है। नॉर्मल चक्कू से काम नहीं चलता, मुड़ जाता है वो, इतना कि उसकी हड्डियों को तोड़ के अंदर घुस सके। मेरे साथ तो ऐसा कभी हुआ नहीं, लेकिन मैं केदारनाथ भी आपने देखा होगा, मैं रेडी रहता हूँ हमेशा जंगलों में, और तुम्हें भी मतलब रेडी रहना पड़ेगा, केयरलेस कभी नहीं हो सकते। बाकी भोले कभी कुछ होने तो देते नहीं, नाश्ता कभी हुआ, और मेरी इच्छा है कि कभी ऐसा हो भी ना, लेकिन कभी केयरलेस नहीं होना, अपना जो है असला सामान रेडी रखना। यहाँ पर ये बंकर जैसी दीवारों वाले घर इसलिए हैं क्योंकि यहाँ पर मुझे किसी ने बताया कि चट्टानों से कटकर हैं जो ये ईंटें बनती हैं। यहाँ पर नॉर्मल वाली ईंटें बहुत कम ही मिलेंगी, और ये मेरे ख्याल से उससे सस्ती पड़ती हैं, और मकान भी जो है इससे जल्दी रेडी रहता है, क्योंकि उससे करीब 4-5 गुना तो बड़ी ईंटें हैं ही, तो स्पीड भी 4-5 गुना फास्ट हो जाती है, तो ये रीज़न है इधर का। लेकिन घर बड़े मजबूत बनते हैं इधर के, इसकी वजह से। तो मेरी चेकिंग हुई नहीं, लेकिन कई लोगों ने पूछा कि तुम्हारी चेकिंग हो सकती है, तो मैंने पूछा क्यों, तो उन्होंने कहा शराब यहाँ पर लोग लाते हैं क्योंकि यहाँ पर मिलती नहीं है, तो इसके लिए, और इसीलिए शायद इतने चेक पोस्ट हैं यहाँ पर, क्योंकि लोग राजस्थान से और दीप दमन से है आगे, तो मतलब महाराष्ट्र वाली साइड से और इधर से राजस्थान वाली साइड से शराब लाते हैं इसमें, जिनको जो शौकीन है, जिनके लिए बंद हो चुकी है। तो मैं पोरबंदर से सोमनाथ की तरफ जा रहा था, ये गोसा नाम की एक जगह है, यहाँ पर मैं सभी लोगों के पास रुका था, इन्हीं लोगों ने मुझे रोका था। अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, और यहीं से आगे जो है रास्ता पूरा यही हाईवे जाता है सोमनाथ की तरफ। ये एक अंकल जी की सोडा शॉप है दोसा में, इधर वैसे मैंने देखा था, मैं सोचता था इसके ऊपर वो फॉइल लगी रहती है ना, तो मुझे लग रहा था कुछ बियर वियर टाइप से, वैसे यहाँ पे मिलता नहीं है कुछ, तो मैं इसलिए लेता नहीं था रास्ते में। इसके ऊपर वो फॉइल लगा रहता है ना कुछ गोल्डन गोल्डन सा, है ना वो, उधर अच्छा जंग ना लगे इसकी वजह से। चलते हैं, अभी गर्मी तो वैसे इधर ठीक है, मतलब इधर सर्दी नहीं है तो अभी मजा है। ये देखो अब तक ये हमारे यूपी में होते तो तोड़ के खत्म कर दिए होते, ये पेट्रोल पंप पे लग रहे हैं इधर भी। यहाँ से नारियल की जो है वो आम बात हो गई है, तो हर जगह जगह मिलेंगे, चुपके से तोड़ भी सकते हो, पकड़े जाने कुछ भी सकते हो, वाला साहब खास है। ये देखो आगे ऐसा कुछ तूफान टाइप से आ गया है, देखो रेत ही रेत है चार तरफ, मिट्टी मिट्टी रेत ही रेत, बीच दिख रहा है आपको, अभी तुम्हारा भाई वहां जाएगा, देखो पब्लिक भी खड़ी खड़ी करके जा रही है अपनी बस, और तुम्हारा भाई भी उधर गोइंग एंड मजा लेइंग। मैं भी जा रहा हूँ, मैं भी जाऊँगा, मजे लूंगा, अपनी साइकिल वहां पे खड़ी कर दी अभी। और ये यहाँ का कुछ बीच है, ये है माधवपुर का बीच, काफ़ी खूबसूरत जगह है, पीछे मैंने अपनी साइकिल खड़ी कर दी है, और ये काफ़ी बड़ा और काफ़ी खूबसूरत बीच है, पूरा देख रहे हो चारों तरफ खुला खुला एकदम। तो यहाँ पर आप ऐसे ऊंट पे भी बैठ सकते हो, 100-150 रुपये चार्ज है इसका, 100 रुपये सिंगल पर्सन और 150 रुपये डबल पर्सन। और ये देखो हम ले रहे हैं बीच के मज़े, अब चाहे जिंदगी ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी। इस एरिया में अब तक मैंने ये वाला बीच बहुत खूबसूरत और बहुत बड़ा देखा, यहाँ पर कोई गंदगी भी नहीं, जैसे वहाँ पर पीछे जो बीच पे मैं गया था वहाँ पर ये कपड़ा और ये सब चीजें गंदगी पड़ी हुई थी, और ये बीच भी काफी बड़ा है, बहुत ज्यादा बड़ा है और बहुत ज्यादा सुंदर है। यहाँ पर कई सारे बच्चे अपने जो कि पिकनिक पे आए हुए हैं, हॉलीडेज पे आए हुए हैं, वो सामने जो दिख रहे हैं कई सारे बच्चे, उसके बाद भी मुझे फोटो खींचने के लिए कोई नहीं मिल रहा, हर बार की तरह, बस इसी बात का दुख है कि मेरे साथ कोई नहीं है जो मेरी फोटो खींच सकता है। कोई बात नहीं, काम चला लेंगे, होता है, दुख दर्द पीड़ा किसे बताएं।
बड़ी मेहनत से मैंने ये शेल वहाँ से उठाया, वो लहर आती थी उसमें से चल चल के ये शेल मुझे मिला और बहुत सुंदर है। एक मैं इस बीच से याद ले जा रहा हूँ। कई सारी लहरों में इंतज़ार किया मैंने, आगे पीछे हो रहा था तब जाके मिला मुझे। और ये हॉर्स राइडिंग और इन सब में 100-200 रुपये वेस्ट हो जाएंगे। वेस्ट क्या होंगे यार, मतलब हाँ अच्छी चीज़ें करना चाहिए, एक बार ट्राई करना चाहिए, लेकिन हम ऐसे कई सारी जगह पर जाने वाले हैं तो अभी के लिए छोड़ देता हूँ मैं। यहाँ पे आप ये भी ट्राई कर सकते हो, ये भी इसका भी कुछ ऐसी 100-200-250 रुपये चार्ज होगा इसका भी, तो ये भी आप कर सकते हो। बहुत सारी करने के लिए यहाँ पे कई सारी एक्टिविटीज़ हैं। देख रहे हो अपने कैसे हो गए हैं पैर, इसकी वजह से मैंने जूते नहीं पहने क्योंकि पैरों में भी रेत है, सूख के थोड़ा सा हटेगी तब जूते पहन लूँगा, अब तो चप्पल में ही चलते हैं। और नज़ारे देखो बहुत बढ़िया और बहुत ही सुंदर बीच था। कहाँ चक्कर मत लगा, देखो गोवा के इधर आओ, यहाँ पे तुम मज़े लोगे, अलग तीन साइड के मज़े ले लें फिर खाएंगे। अब क्या है कि खाना नहीं मिल रहा कहीं, वहाँ पे बीच साइड बहुत सारे स्टॉल्स थे लेकिन वहाँ अगड़म झगड़म था जो कि मेरे बैग में भी काफ़ी सारा है, तो मैंने सोचा कहीं रोटी सब्जी आगे मिल जाएगी। अब करते करते 4-5 किलोमीटर आ गया, 2-3 होटल मिले लेकिन उनका क्या है कि अकेले बंदे के लिए बनाएंगे नहीं स्पेशल और बाकी खत्म है, 4-5 बंदे होते तो वो रेडी करते। अब मैं जैसे भूखा डोल रहा हूँ, लगभग 4 हो गए और सुबह का ही मैंने खाया हुआ है वही जो आपने देखा था सुबह क्या खाया था मैंने। तो फाइनली हमें होटल मिल गया और यहाँ पे वैसे 120 की थाली है लेकिन इन्होंने मेरे लिए 100 की लगा दिया और 3-4 सब्जियाँ हैं इसमें, सिर्फ टमाटा और बैंगन का भरता, आलू की सब्जी और ये बीन्स का कुछ है और छाछ रोटी, तो ये बाजरे की रोटी और नॉर्मल रोटी और सब्जियाँ। और चलो पहले खाना खाते हैं बाद में बात करेंगे। तो हमारी एंट्री हो गई है मांगरोल में, मांगरोल नाम की एक जगह है। मैं वैसे आज सोमनाथ पहुंचा था अगर मैं बीच साइड पे इतना ज्यादा चिल नहीं करता तो। सहनी हमें सजा है, हम हैं बाजारों के, सबकी नजर यहाँ है, हर चीज राज है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सकी तो रबा है। तो साइकिल रख दिया हमने इस पे और सामान रख दिया है गाड़ी में कुछ कुछ, और भैया लेने आए थे मुझे तो अभी इनके घर चल रहे हैं तो इसलिए साइकिल इनके घर पे ही पहुंच गई है। तो कहाँ से, अभी दूर से 22-23 के छोड़ से, इधर से लगभग 22-23 किलोमीटर दूर है, वहाँ से भैया आ रहे हैं तो घर पे चल रहे हैं, इसलिए साइकिल वहाँ पे पहले से ही पहुँचा दी है। तो आज भी हम गुजराती थाली खा रहे हैं, ये उंदियो रोटी सिंपल ही, मैंने ही कहा था कि रोटी बनाना वरना तो गेहूं का पापड़ है, हाँ हल्दी और अदरक है, ये मोस्टली आपको गुजरात में ही देखेगा ये भी और ये भी, और ये दूध पाक है, हाँ वो सेवई है ना, दूध पाक बोलते हैं। तो ये मनीष जी हैं, ये थोड़ा सा मैं 20-25 किलोमीटर दूर था तो वहाँ पर लेने आए, इनका घर थोड़ा सा दूर था तो कार में लेने आए, और ये मनीषा जी हैं। तो इन्होंने आज मेरे लिए डिनर रेडी किया है। ना खाने के बाद अभी हम सब लोग सोडा पीने आए हैं, ये बिल्कुल जेठालाल में सब कुछ यही दिखा रहे थे, वो लोग खाना खाने का सोडा वोडा पी रहे जाते बुझाते हैं ना इधर सब लोग सोडा वोडा पीते ही है। आप जहाँ से निकले ना पोरबंदर से, हाँ। वो बीच में गोसा आया, हाँ। वो जेठालाल वहीं का है गोसा, हाँ। अच्छा अच्छा। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। रात के 1 बजे ब्लॉग को एडिट कर रहा हूँ तो इस चीज को अप्रिशिएट करना और प्लीज वीडियो को लाइक करना।